आज की रेसिपी में आयरन से रिच बाकला की बहुत ही टेस्टी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और साथ ही प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी को नमस्ते, वेलकम टू गुड रेसिपीज बाय शिवानी। बाकला की सब्जी बनाने के लिए मैंने लिए हैं 2 प्याज, 6-7 लहसुन की कलियां और 1 मीडियम साइज का टमाटर। इसके साथ ही 3 आलू को छील कर हम क्यूब्स में काट लेंगे और जो बाकला की फली हैं, उनको हम पानी डालकर 2-3 बार अच्छी तरह से धो लेंगे। फलियों के ऊपर गंदगी लगी रहती है, इसलिए उनको अच्छी तरह से धोना ज्यादा जरूरी है। और ये मैंने 2-3 बार धो लिया है और फलियां साफ हो गई हैं। अब सबसे पहले हम सब्जी की ग्रेवी तैयार करेंगे। ग्रेवी बनाने के लिए प्याज को हम इस तरह से बड़ा बड़ा रफली चॉप कर लेंगे और प्याज लहसुन का हम एक पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। बहुत ही बारीक पेस्ट बनाकर तैयार करना है हमको। और ये देखिए बहुत ही फाइन पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। अब टमाटर का डंठल इससे अलग कर देंगे और टमाटर को बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। जितना बारीक से बारीक हो सके उतना बारीक चॉप करना है। अब ध्यान दीजिएगा कि फलियों को हमें किस तरह से काटना है। एक तरफ से इसके डंठल को कट करेंगे और ये देखिए इसके साइड के जो रेशे हैं इनको हटा देंगे। दोनों साइड के रेशों को मैंने हटा दिया है। इसमें थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन रेशे हटाने से जब हम सब्जी खाते हैं तो ये फिर दांतों के बीच में नहीं फंसते। अब इन फलियों को हम इस तरह से बारीक बारीक चॉप कर लेंगे और सभी फलियां मैंने काट ली हैं। अब सब्जी बनाना शुरू करते हैं। एक पैन में 4 चम्मच के करीब ऑयल गरम करेंगे। मैंने सरसों का तेल यूज किया है, आप चाहे तो कोई भी कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हैं। इसमें 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे। इसके साथ ही जो प्याज लहसुन का पेस्ट हमने बनाकर तैयार किया था वो भी इसमें मिला देंगे। एक बार इसे चला लेंगे। अब इस ग्रेवी में हम 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/3 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/3 चम्मच गरम मसाला पाउडर और स्वाद अनुसार नमक मिलाएंगे। सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे और इस ग्रेवी को हम 5 मिनट तक ढककर पकाएंगे। ये देखिए करीब 4-5 मिनट हो गए हैं और ग्रेवी का पानी पूरी तरह से जल चुका है। अब इस ग्रेवी में हम कटे हुए टमाटर भी मिला देंगे। इसके साथ ही 1/2 चम्मच किचन किंग पाउडर और 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च इसमें मिला देंगे। इन सभी चीजों को मिक्स कर लेंगे और इसे फिर से ढककर 2 मिनट तक पकाएंगे। ऐसा करने से टमाटर अच्छी तरह से गल जाएंगे। 2 मिनट के बाद ये देखिए टमाटर गल गए हैं। अब इसमें हमने जो आलू काटे थे वो डाल देंगे। इस सब्जी बनाने में हम पानी का बिल्कुल भी यूज नहीं करने वाले हैं। कटी हुई बीन्स भी इसमें मिला देंगे और इन सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम पैन का ढक्कन बंद कर देंगे और ध्यान रहे गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे। अब इस सब्जी को हमें 15 से 20 मिनट तक पकाना है। बीच बीच में ढक्कन खोलकर 1-2 बार चला भी देंगे। और ये देखिए करीब 15 मिनट हो गए हैं। एक बार चेक करते हैं कि सब्जी बनी है या नहीं। एक आलू को इस तरह से चम्मच से काट कर देखेंगे और ये देखिए आराम से आलू कट रहा है, मतलब कि सब्जी पक चुकी है। लेकिन अभी इसमें एक चीज की कमी रह गई है। जी हाँ, हरा धनिया। हरा धनिया को भी हम बारीक बारीक काट कर इसमें मिला देंगे और बहुत ही टेस्टी सुपर यम्मी आलू बाकला की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। एक बार सभी चीजों को मिक्स कर लेंगे जिससे कि धनिया का फ्लेवर सब्जी में अच्छी तरह से आ जाए। इस सब्जी को आप पराठे या रोटी के साथ सर्व कीजिए। ये बहुत ही न्यूट्रिशियस होती है। इस रेसिपी से आप बनाएंगे तो बच्चे बड़ों सभी को बहुत पसंद आएगी।
आप भी ये रेसिपी जरूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।